दुर्ग जिले में आज एक बड़ा बवाल हो गया। गाड़ी वाले उसको गाड़ी जस्ट बैठा, गाड़ी वाले ट्रक वाले उसको घसीटते हुए यहाँ तक ला दिया, तीनों को मौत का घाट उठा दिया। जब तक इंसाफ नहीं मिली यहाँ से हटन हटन। ये बवाल एक हादसे के बाद उपजा, घटना एक ही बार नहीं हुई, कई बार हो गई। ये रोड एक गांव में बड़ा गाड़ी हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत के बाद ग्रामीण भड़क गए। जो छोटा सा बच्चा है जो अभी हॉस्पिटल में, उसका इलाज टोटल चाहिए, उसका पढ़ाई लिखाई चाहिए। अभी के अभी पाँच पाँच एक एक आदमी का चाहिए 5-5 लाख रुपया। पुलिस को धकेलने की कोशिश की गई, हालांकि मामले को किसी तरीके से फिलहाल शांत कर लिया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। दुर्ग जिले में आज एक बड़ा बवाल हुआ। बवाल ढोर गांव जो है, जो दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है, वहां शुरू हुआ। हालांकि पुलिस ने अपनी सूझबूझ से इस मामले को हाल फिलहाल ठंडा कर दिया है। मामला कुछ इस तरह रहा कि ढोर गांव में एक साहू परिवार रहता है जिसका नाम है राजेश साहू, और उसकी एक बहन है रितु साहू। राजेश साहू और रितु साहू एक गृह प्रवेश के कार्यक्रम में कचांदुर गाँव गए हुए थे। उनके साथ रितु की दो बेटियाँ, एक 12 साल की थी और एक 2 साल की थी, वो भी कचांदुर गांव गई हुई थी। वहां से जब वो वापस लौट रहे थे, तो वापस लौटने के दौरान कचांदुर से ढोर के रास्ते में एक क्रशर पड़ता है, जो कि पत्थर से जो है गिट्टी बनाता है बड़े पत्थर से। उस क्रशर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने, जो कि सीमेंट से भरा हुआ था, उसने रितु और राजेश की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से जो है इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि रितु और राजेश दोनों ही ट्रक के नीचे आ गए। उनकी एक 12 साल की भांजी भी उसके नीचे आ गई और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। हालांकि जो 2 साल की बच्ची है उसकी जान बच गई है, लेकिन उसकी हालत गंभीर है, वो अस्पताल में भर्ती है। जब ये मामला ढोर गांव और कचांदुर गांव के लोगों को पता चलता है, तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है और कचांदुर के पास जो है भीड़ एक जाम लगा देती है। जाम के बाद जो है बवाल शुरू हो जाता है। ग्रामीण मांग करते हैं कि ये जो रूट है, इस पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित होना चाहिए। और इस बवाल के बाद जो है, जब पुलिस पहुंचती है, तो आक्रोशित ग्रामीण जो है पुलिस और अफसरों के साथ धक्का मुक्की की कोशिश करते हैं, उनको धकेलने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले के बाद जो है बड़ी देर तक बवाल मचा रहता है। ग्रामीण मांग करते हैं कि मृतक के परिजनों को 50-50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा यहाँ जो भारी वाहनों का जो है आवागमन है, उसको भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। पुलिस लगातार कोशिश करती है, लोगों को समझाने की कोशिश करती है, ग्रामीणों को भी बताती है, लेकिन मामला कई घंटे तक खिंच जाता है। 25-25 हज़ार तीनों दे थे, ठीक है, अभी तो शासन प्रशासन के नियम है 25 हज़ार तीनों दे। इन्हें जो कोर्ट में जाए, जो पैसा कोर्ट से मिलने, वाला भी जानते लोग आज चलो वो भी ठीक है। मामले कि गाड़ी वाले जो मालिक है वो पर पर्सन 1,00,000 दे सकते हैं। मामला है, 5 बोलते हैं, 6 बोलते हैं, 10 बोलते हैं, पूरा समझ। अब अब तक करते कोई फैक्ट्री में आग लगते, फैक्ट्री वाले तत्काल देते हैं, कोई फैक्ट्री मरते तत्काल देते हैं। गाड़ी में होता है 5 लाख पर पर्सन में, 1-2 लाख दे दूँ, 1 लाख दे दूँ, 50 लाख, छोटे से मामला है बस। और मान लिया नहीं बोली तो ये कोई विषय नहीं है ना। आज फैक्ट्री में आग लगते आपके मन सब दिलाने वाला हो, कोई विषय नहीं है। 3 जन आदमी है, 1-1 लाख तीनों जन दूँ, 2-2 लाख तीनों जन दूँ, 5-5 अक्कद बोल सकते हैं, नहीं तो ये ज्यादती वाले मामला आ जाते ना। अक्कद बोल सकते हैं साहब, गाड़ी मालिक अक्कद बोल सकते हैं कि 6 लाख दूंगा पर पर्सन, 2-2 लाख दे दूंगा, इलाज का खर्चा उठाऊंगा। ये तो सामान्य चर्चा है, सामान्य चर्चा है। मुला ऐसे लगता है कि बड़े बड़े व्यक्ति के लिए, छोटे व्यक्ति के लिए हृदय विदारक है। सामान्य एक टप्पम बोल देना चाहिए कि पूरा परिवार के मैं 10 लाख अपन तरफ से दूँ, छोटे से बात है, एकदम छोटे से बात है गुरुदेव। और आप मन बात करो तो चीज हो सकती है, कोई बड़े विषय नहीं। धोखा तरफ से कहा है, अच्छे तो
गलत बात है ना, नहीं 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 छोटे से बात है, शुरुआती पूरा तैयार अभी पाँच या दस लोग जो बना गए अभी बोलो ना भाई, बात करे बोलो ना, अरे अरे बोल कह दी यार ड्राइवर का बड़ा हालांकि पुलिस ग्रामीणों से जाम हटवाने में सफल हो जाती है। अब आप देखिए इस पूरा नज़ारा, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बवाल मचा हुआ है, बहस हो रही है, और कचांदोर के ग्रामीण और मृतक का भाई जो है क्या कह रहा है ये भी आपको हम सुनवाते हैं। मेरा बहन मेरा भांजी एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उसके बाद ठीक है एक चार लोग थे, चार लोग में तीन लोग इस पर में मर गए, ख़त्म हो गए। अब उसके बाद एक बच्चा उसमें मैं हॉस्पिटल गया, एक बच्चा हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में मैं गया तो बोलता कि 5,000-10,000 पहले जमा करो उसके बाद काम चालू होगा। जो ऐसा अब जैसे पैर फटा है तो पैर में टाका लगाने, दो तीन टाका तो पहले पैसा दो, 5,000-10,000 उसके बाद काम चालू होगा, नहीं करना ऐसा नहीं होगा। एक कौन सा हिसाब से ऐसा है, कौन सा हॉस्पिटल में ऐसा कि लिखा है कि पहले जमा करो पैसा तब होगा काम। अभी मैं चाहता हूँ कि जितना हॉस्पिटल है ऐसा अन्यथा ना करें ना भाई, ऐसा जो गाड़ी चलता है ऐसा ना चले, और मेरे गांव में जो ये रोड है एक गांव में बड़ा गाड़ी नहीं चलनी। और मेरा यही मांग है कि मेरा भाई ख़त्म हुआ है, और सबसे प्रथम भाई कि यहाँ जो फिटनेस कंपनी है वो फिटनेस कंपनी को यहाँ बुला, और जो बोलेगा हम ये करेंगे। और कौन से हिसाब से यहाँ फिटनेस कंपनी खोला और यहाँ बड़ा बड़ा गाड़ी चलता है। हम तो चाहते कि हम तो 5 करोड़, कौन देगा 5 करोड़, कोई नहीं देगा भाई। हमको नौकरी चाहिए हमारे घर में, और दो छोटा छोटा बच्चा, और जो एक जो छोटा सा बच्चा है जो अभी हॉस्पिटल में उसका इलाज टोटल चाहिए, उसका पढ़ाई लिखाई चाहिए, और प्लस हमको चाहिए कि दो और बच्चा है उसके भविष्य हमको बनाना है, उसके लिए हमको पढ़ाई लिखाई पूरा क्लियर चाहिए, और भाई सरकारी नौकरी को चाहिए, हमको सरकारी नौकरी चाहिए उसके बाद पैसा चाहिए। और कल कार्यक्रम, आज तो नहीं होगा कार्यक्रम, कल कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम के लिए हमको अभी के अभी 5-5 एक एक आदमी का चाहिए 5-5 लाख रुपया। लड़की खत्म हुआ है, उसका दादा हूँ और उसका ससुर हूँ, बहू है मेरा, खत्म हुआ है। वो घर से आया है 6 बजे, निकला यहाँ 7 बजे, 7:30 का एक्सीडेंट मंदिर में गया, मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जल चढ़ा कर आ रहे थे, और उसके बाद वो गाड़ी में बैठने लग रहे थे, उसके बाद वो गाड़ी वाले उसको गाड़ी में जस्ट बैठा और गाड़ी वाले ट्रक वाले उसको घसीटते हुए यहाँ तक ला दिया, तीनों को मौत का घाट उठा दिया। उसका भाई है एक, और मेरा दो नतनीन है, एक छोटा है वो हॉस्पिटल में लेगा है, और जया है वो गया ये कल। मांग मेरा है दोनों परिवार को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ पैसा, और अभी कार्यक्रम करने के लिए 5-5 लाख। जो एक्सीडेंट के घटना हो है ये तो कोई हाईवे रोड नो है जो बड़े बड़े गाड़ी चल ही, ये हाईवा गाड़ी मतलब बंद करना चाहिए ना भाई। ये घटना एक ही बार नहीं हुई, कई बार हो गई ये रोड में, तो मना होना चाहिए ना भाई। काबर जी प्रशासन शासन प्रशासन है ये अनहोनी के हेला दोबारा देवत मौका, शासन प्रशासन ला जानकारी होना चाहिए। हाईवे रोड नो है, आबादी घना आबादी हरे, एमा हाईवे गाड़ी नहीं चलना चाहिए।
जो मृत व्यक्ति है उनका मन के एक एक व्यक्ति के 50-50 लाख बोले है, और जो हॉस्पिटल में है उनका पूरा भरण पोषण खर्चा पानी पूरा होना चाहिए, इसे बोला ये मांग रखे है ना मन। और जब तक इंसाफ नहीं मिली यहाँ से हटना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिटनेस सेंटर के लिए कहेंगे कि यहाँ होना नहीं चाहिए फिटनेस सेंटर, अगर सेंटर है तो गाड़ी तो आएगा ही ना, यहाँ होना ही नहीं चाहिए। आबादी है, जब सरकारा रोड है तो क्यों आते हैं गाड़ी यहाँ, क्यों खोला है फिटनेस सेंटर? कई बार तो हो गया ना एक्सीडेंट होते होते, तो जानकारी नहीं है। इस पूरे बवाल के मामले में एएसपी सुखेंद्र राठौर ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। जेवरा सिरसा थाने के पास भौर गांव के पास एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। ट्रक में सीमेंट लोड था और 3 अचानक से उनके नीचे आ गए, दब गए हैं, और यहां भीड़ की स्थिति है और लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में है, प्रशासन पुलिस के लोग यहां पर हैं, उनसे बातचीत चल रही है। अभी जो प्रशासन से जो प्रारंभिक तौर पर जो सहायता राशि दी जाती है उसके देने की बात कही गई है, आपस में बैठ के निर्णय करके बताएंगे बोले हम लोग। ये था पूरा मामला। इसमें आपने देखा कि किस तरीके से ढोर गांव के जो लोग हैं उनकी हादसे में मौत के बाद किस तरीके से बड़ा बवाल हुआ और इस बड़े बवाल को विकराल रूप लेने से कैसे रोका गया। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।